तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। एंड यहाँ पे मोस्ट अवेटेड वीडियो, काफ़ी सारे लोगों की इसके लिए डिमांड आ रही थी कि मी 10i का यहाँ पे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन किया गया है जाए पोको X3 के साथ। तो आज की वीडियो में यही हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं किस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों में ही आपको MIUI देखने के लिए मिल जाती है, हालांकि प्राइस डिफरेंस काफ़ी है दोनों में देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं कौन कितना कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, कौन कितना फास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पीड टेस्ट में। सभी चीज़ों को हम टेस्ट करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन नीचे दिया होगा उसको दबा दो। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर जरूर से कर देना। तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिबूट टेस्ट कि कौन सबसे पहले रिबूट होता है। अब एक में 5G है, एक में नहीं है, तो हो सकता है 5G वाला ज़्यादा तेज़ी से रिबूट हो। तो चलो आप देखते हैं। तो रेडी 1 2 3 गो। एंड यहाँ पे रिबूट में पहले मी 10i का लोगो आ गया है, पोको का बाद में आया है। सो यहाँ पे मी 10i आप देखोगे बूट पहले हो गया है, जैसे मैंने बोला 5G है पहले बूट हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखने के लिए मिलेगी, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन के 750G वाइज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 732G। तो डिफरेंस तो ज़रूर आपको मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ स्पीड टेस्ट करके एक यहाँ पे जो रीड एंड राइट का है, यहाँ पे मैंने मेजर चेंज देखा जो कि आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलता है। दोनों को एक बार स्टार्ट करता हूँ और आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है मी 10i में UFS 2.2 और इसमें आपको UFS 2.1 मिलती है। लेकिन कुछ एक तरीके से मुझे प्रॉब्लम लगी, अब हो सकता है मेरे यूनिट की प्रॉब्लम हो, लेकिन राइट स्पीड आप देखोगे पोको X3 के अंदर काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, स्टेबल बिल्कुल नहीं है। वही मी 10i की काफ़ी स्टेबल है रीड स्पीड, तो यहाँ पे पोको X3 की स्टेबल रहती है और मी 10i की भी रहती है, लेकिन आप डिफरेंस देख पाओगे स्पीड के मामले में काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। प्रोसेसर और UFS 2.2 में बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं, जितने अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहते हैं डिफरेंस काफ़ी ये देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। टेस्ट को देखने के लिए मैंने यार 2-3 बार और भी परफॉर्म करा है, लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला मुझे यार। सेम चीज़ अभी भी राइट स्पीड में पोको X3 में थोड़ी सी देखने के लिए मिली, हो सकता है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो मेरे यूनिट के साथ ही, लेकिन वो सब चीज़ छोड़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एंटूटू बेंचमार्क का स्कोर कितना देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटूटू बेंचमार्क इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे पोको X3 में एक एरर, ये पता नहीं क्यों बार बार आती है, सिस्टम लॉन्चर कीप स्टॉपिंग इस तरीके से आती है। लेकिन स्कोर के मामले में आप देख पाओगे यहाँ पे आपको मी 10i में 331,068 मिलता है, वहीं पोको X3 में आपको 277,451 मिलता है। डिफरेंस आपको काफ़ी मिल जाएगा दोनों में। एंड अगर बात करें गीगबेंच स्कोर की तो यहाँ पर भी देख पाओगे काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे 640 सिंगल कोर में मी 10i में आता है, वहीं 569 आपको पोको X3 में देखने के लिए मिलता है। मल्टी कोर में यहाँ पे आप देखोगे इसमें भी डिफरेंस 1928 मी 10i में और 1753 आपको पोको X3 में मिलते हैं। तो डिफरेंस आपको ज़रूर से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कंपेरिजन के लिए और भी शॉर्ट्स क्लिक करे थे और यहाँ पर ऑलमोस्ट मी 10i K20 प्रो और पोको F1 के पास देखने के लिए मिलता है। वहीं पे अगर आप इसमें देखोगे पोको X3 जो कि है आपको देखने के लिए मिलता है, वो थोड़ा सा नीचे रहता है, जो कि Redmi Note 8 Pro और Galaxy A71 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हो गई स्कोर की बात, अब यहाँ पे कर लेते हैं एक बार स्पीड टेस्ट, देखते हैं कि क्या यार स्पीड में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट इसमें करूँगा और इसमें मैंने कनेक्ट कर रखा है वाईफाई से। यार मेरा इंटरनेट अभी इस एरिया में बहुत ज़्यादा बेकार है, अगर मैं मोबाइल डाटा से कनेक्ट करता हूँ तो कुछ भी नहीं चलता है, तो मैं स्पीड टेस्ट इसलिए वाईफाई से करने वाला हूं। तो देखो मेरे दोनों में ऑटोमेटिकली एक ही वाईफाई से दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसमें सर्वर अलग दिखा रहा है, इसमें सर्वर अलग दिखा रहा है। अब ये भी चीज़ अलग अलग हो रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों को एक साथ हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कौन कितनी जल्दी स्पीड कैचअप कर पाता है। सो लेट्स गो 1 2 3 गो। तो आप देख सकते हो वाईफाई स्पीड में ऐसा कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलता है। अब अगर आपका यहाँ पे इंटरनेट मोबाइल डाटा कनेक्ट होगा तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में ही 4G प्लस सपोर्ट करता है। अब हालांकि यार 5G भी आया नहीं है, तो 5G होगा तो इसमें 5G ऑब्वियसली फास्ट चलेगा और पोको X3 में वो है ही नहीं, तो उसका लिए आप भूल ही जाओ। यहाँ पे देखते हैं DRM इन्फो 1 2 3 गो। इसमें देख सकते हो ऑलमोस्ट दोनों बराबर आए और दोनों में ही L1 डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। दोनों में ही आप प्राइम वीडियो के अंदर यहाँ पे फुल HD नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग कर पाओगे और HDR में आप YouTube में भी वीडियो देख पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं JioSaavn कौन पहले ओपन करता है म्यूजिक एप्लीकेशन। सो 1 2 3 गो। और इस चीज़ में आई गेस पोको X3 थोड़ा सा आगे है, यस। तो अभी आप देखोगे मी 10i पीछे है। यहाँ पे यार काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि कुछ और भी एप्लीकेशन ऐड करे जाएं, तो मैंने इस बार स्विगी को ऐड कराया, तो इसमें भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं स्विगी को कौन पहले ओपन करता है। सो 1 2 3 गो।
इसमें मी 10i थोड़ा सा आगे निकलता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें पहले ओपन कर लिया है। और अब देख लेते हैं यहाँ पे क्रोम, इसके अंदर मैंने एक वेबसाइट एप्पल की पहले ओपन करी थी, देखते हैं कौन रिलोड करके इसको ओपन कर पाएगा दोबारा। सो देख लेते हैं इसको, 1 2 3 गो। यहाँ पे मी 10i ने पहले ओपन कर दिया, वाओ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, लेकिन मी 10i ओपन हो गया है। देख लेते हैं प्ले स्टोर, 1 2 3 गो। एंड यहाँ पे आपको पोको X3 आगे निकलता हुआ मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे स्कोर यहाँ पे चल रहे हैं कि कोई आगे कोई पीछे है, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। दोनों में एक एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं ताकि जब हम यहाँ पे टेस्ट करें मेमोरी मैनेजमेंट का तो पता चल जाए। देखते हैं अमेजोन में कौन पहले ओपन करता है, 1 2 3 गो। दोनों ही साथ साथ आए हैं आई गेस, आप मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में कौन से पहले ओपन करा। देखते हैं फ्लिपकार्ट, 1 2 3 गो। इसमें मी 10i आगे निकला है, वाओ यार। देखते हैं इंस्टाग्राम, 1 2 3 गो। इसमें भी मी 10i आगे निकला है, आप देख सकते हो। वैसे लोड इसमें पोको X3 आई गेस पहले कर लिया था। देखते हैं यहाँ पे कैमरा कौन पहले ओपन करता है यहाँ पे, तो इसमें भी हम चेकआउट कर लेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, 1 2 3 गो। पोको X3 आई गेस कैमरा पहले ओपन कर रहा है। अब देख लेते हैं ट्विटर, 1 2 3 गो। पहले यहाँ पे मी 10i ने लोड कर ली है ट्विटर, और ये चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। अब देख लेते हैं टेलीग्राम, 1 2 3 गो। टेलीग्राम भी मी 10i ने पहले यहाँ पे ओपन कर ली है, ये आप यहाँ पे देख पाओगे। और टेलीग्राम का हमारा ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हो। देख लेते हैं प्राइम वीडियो कॉइन पहले ओपन करता है, 1 2 3 गो। यहाँ पे पोको X3 आगे निकला है, ओके। देखते हैं हॉटस्टार, 1 2 3 गो। तो हॉटस्टार मी 10i ने पहले ओपन कर ली है और पोको X3 ने नहीं करी है। देख लेते हैं यूट्यूब, 1 2 3 गो। YouTube दोनों ऑलमोस्ट इक्वल मुझे लगे, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में किसने ओपन करा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा गेमिंग की तरफ, तो टेम्पल रन सबसे पहले देखेंगे, 1 2 3 एंड गो। दोनों में ही गेम बूस्टर ऑन है आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है मी 10i पहले ओपन करेगा। ऑलमोस्ट इक्वल आए थे, लेकिन मी 10i थोड़ा सा आगे, मैं कहूँगा जस्ट स्प्लिट सेकंड आगे, ज़्यादा कुछ आगे मुझे नहीं लगा। दोनों में इसको हम एक बार आगे कर लेते हैं प्ले ताकि ये लोग ठुक जाए, उसके बाद हमको देखने के लिए मिले कि कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे वॉच एंड ऐड आ गया और इधर भी यहाँ पे ये गिर गया, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे अटक गई है। चलो इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी, 1 2 3 इन गो। सो यहाँ पे पोको X3 ने पहले एक्टिविजन का लोगो दिखाया है, दोनों में गेम टर्बो मैंने ऑन करके रखा हुआ है पहले से ही, ओके। तो यहाँ पे पोको X3 में यार लॉगिन का लोगो पहले आ गया, लॉगिन यहाँ पे पहले हो रहा है वो, तो ये चीज़ थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी मुझे लगी। और आई गेस यहाँ पे पोको X3 पहले लॉन्च भी कर देगा गेम, यस आप देख सकते हो पोको X3 ने पहले लॉन्च कर दिया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यस यार पोको X3 यहाँ पे आगे देखने के लिए मिलता है, काफ़ी सही है यहाँ पे पोको X3। और यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ कि गेम प्ले आप कौन सी सेटिंग्स में यहाँ पे कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो वेरी, आप हाई और मैक्स में जा सकते हो 60 FPS में मी 10i के अंदर। उसी के अलावा पोको X3 में भी आप हाई और मैक्स में जा सकते हो, दोनों में सिमिलर सेटिंग मिलती है यार, कोई ज़्यादा ऐसा मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। तो सबको हम करते हैं क्लोज और बैकग्राउंड में यहाँ पे हम ले आते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे काइन मास्टर का एक बार टेस्ट कि कौन कितनी अच्छी से वीडियो रेंडर कर लेता है। दोनों में सिमिलर वीडियो ली है मैंने और दोनों को ही रेंडर करके देखेंगे कौन कितना टाइम यहाँ पे लेता है वीडियो रेंडरिंग में। सो दोनों में ही आप देख पाओगे QHD में आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो वीडियो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी हम 1080p 30 FPS में करेंगे, दोनों में ही फाइल साइज सिमिलर है और दोनों में ही रेंडर साइज भी 263 MB की आपको देखने के लिए मिलेगी। एक्सपोर्ट हम यहाँ पे कर लेंगे दोनों में, देखते हैं कौन पहले यहाँ पे करता है। सो लेट्स गो, 1 2 3 एंड गो। ओहो हो, दोनों ही लग रहा है एकदम पास, लेकिन ओहो X3 यार यहाँ पे रेंडरिंग में आगे कैसे निकल रहा है, आई डोंट बिलीव इट। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकलता हुआ पोको X3 मिल रहा है, क्या कर रहा है यार स्नैपड्रैगन 750G, 5G, व्हाट आर यू डूइंग 5G। हो, देख सकते हो काफ़ी लीप हेड ले ली है पोको X3 ने, एंड डन, ओके। तो यहाँ पे देखोगे पोको X3 का डन भी हो गया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 75% पे है मी 10i और अभी डन हो ही रहा है। तो यहाँ पे रेंडरिंग में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा यार परफॉर्मेंस दिखाया है पोको X3 ने, इस बात पे जनता लाइक ज़रूर से बनता और सब्सक्राइब भी बनता यार, काफ़ी सही यहाँ पे लगा पोको X3 का मुझे। अब यहाँ पे हम देखते हैं ना कि किस में मेमोरी मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर रहता है,
पोको मी यूआई में या आप रेडमी की मी यूआई में, नहीं एम आई की, रेडमी कहाँ है यार, मैं गलत बोल दिया आप लोग को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ट्विटर ओपन है कि नहीं। ट्विटर दोनों में ही ओपन था आई गेस, थोड़ा सा लोड यहाँ पे स्क्रीन दिखाया है। देखते हैं इंस्टाग्राम, दोनों में स्क्रीन आई, दोनों में लोड लिया है, लेकिन मीट एंड आई में देखो कैमरा यहाँ पे ओपन कर दिया, तो आई गेस इसमें लोड नहीं लिया है, इसमें बस स्क्रीन दिखाया है स्टार्टअप का। देख लेते हैं अगर फ्लिपकार्ट में लोड लिया है क्या। सो यस, दोनों में ही फ्लिपकार्ट में लोड लिया है। देखते हैं प्राइम वीडियो, सो दोनों में ही लोड लिया है। देखते हैं हॉटस्टार, सो हॉटस्टार पोको X3 में है, और यहाँ पे देखोगे अपडेट बैकग्राउंड करने का ऑप्शन एक का दिखा रहा है, ये पहले भी था वो भी है, तो इसमें थोड़ा सा आगे लगता है। देखते हैं स्विगी, सो स्विगी दोनों में ही रीलोड लिया है। देखते हैं जियो सावन, सो ये भी दोनों में आई गेस रीलोड ले रहा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में मामले में ना दोनों ही बेकार हैं, लेकिन यस पोको X3 में यहाँ पे देखो अभी भी गेम पॉज्ड में यहाँ पे शो कर रहा है, बैकग्राउंड में है, ओके इम्प्रेसिव। तो देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, दोनों ही रीलोड करेंगे आई गेस, देख सकते हो स्टार्टिंग में ही एक्टिविजन आ गया है, तो इतना हैवी एप्लीकेशन तो दोनों नहीं बचा पाए। मी यूआई 12 थोड़ा सा यार मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में फीका है वैसे अगर आप देखो तो, लेकिन अगर ओवरऑल देखो तो पोको X3 यार इस प्राइस रेंज में काफ़ी सही परफॉर्म करा है, बैकग्राउंड के एप्लीकेशन भी बचा के रखे हैं, साथ ही साथ यार स्पीड टेस्ट में भी काफ़ी एप्लीकेशन से आगे गया है। आप स्कोर पे मैं हर बार कहता हूँ मत जाया करो, चाहे एंटूटु का हो चाहे गीकबेंच का हो, रियल परफॉर्मेंस के वाइज पोको X3 काफ़ी सही लग रहा है। अगर आपको नॉर्मल यहाँ पे देखें कैमरा ओपनिंग कौन पहले करता है, तो देखो इसमें भी पोको X3 पहले कैमरा ओपन कर लिया है, ये भी चीज़ आप यहाँ पे क्लियर देख पाओगे, तो ये भी चीज़ आपको काफ़ी सही देखने को मिलती है। एक बार और आपको दिखाता हूँ, तो देखो कैमरा ऐप ओपनिंग में भी ये आगे निकलता है, तो इसमें विनर आई गेस पोको X3 है। आपको क्या लगता है कौन विनर है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, आपको और कौन सी वीडियो देखनी है मी 10 आई 5G की कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। टेक केयर, बाय बाय।